जिंदगी भर राम मंदिर के खिलाफ लड़ने वाले जफरयाब जिलानी का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। जिलानी राम मंदिर के मामले से ही चर्चा में आए। बता दें कि जिलानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष और यूपी के अपर महाधिवक्ता रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से उनके सर में चोट आ गई थी। जिलानी के करीबियों ने बताया कि कुछ दिन पहले पैर फिसलने की वजह से उनके सर में चोट आई, जिसके बाद करीब 2 साल पहले अचानक उनको ब्रेन हैमरेज हो गया। जिलानी देश के जाने माने एडवोकेट होने के साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव भी थे। बता दें कि जिलानी राजनीति में ना होते हुए भी पिछले 3 दशक से देश की सुर्खियों में बने रहे। अयोध्या विवाद में जफरयाब जिलानी को लगातार मुस्लिम पक्ष की बात मजबूती से रखने के लिए जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जफरयाब जिलानी को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का संयोजक भी बनाया गया। दरअसल जिलानी ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद मामले में अपनी भूमिका के लिए काफी ध्यान आकर्षित किया। BMAC के संयोजक के रूप में उन्होंने मुस्लिम पक्षों का प्रतिनिधित्व किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष अपनी दलीलें पेश की। 2019 में अदालत के फैसले ने हिंदुओं को भगवान राम की जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए स्थल प्रदान किया, जबकि मस्जिद के निर्माण के लिए मुसलमानों को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन प्रदान की गई। वहीं इस मामले के अलावा जिलानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों सहित अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित अन्य कानूनी लड़ाइयों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। VK News, राष्ट्र के नाम।